आज ना हम एक बहुत ही सिंपल सी रेसिपी लेके आए हैं पनीर लवर्स के लिए। तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक छोटी सी रेसिपी दिखाएंगे जो बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरी बनती है, और बारिश के मौसम में तो इसको खाने का ना मज़ा ही कुछ और होता है। सबसे पहले हमें क्या लेना है, इसमें ना हम पनीर पॉपकॉर्न बनाने वाले हैं। तो पनीर लेंगे सबसे पहले, और पनीर को ना बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स में काटना है। बड़े बड़े पॉपकॉर्न ना अच्छे नहीं लगते, फिर वो पकौड़े लगते हैं। हमें पॉपकॉर्न बनाने हैं तो पनीर को छोटे छोटे क्यूब्स में काट लेंगे। देखो जैसे मैं काट रही हूँ, बिल्कुल छोटे छोटे, और बिल्कुल चूरा भी नहीं करना और बिल्कुल बड़े बड़े भी नहीं रखने। उसके बाद हम इसकी एक मैरिनेशन तैयार करेंगे, जिसमें हम लेंगे बेसन एक कटोरी, एक छोटा कटोरा मतलब छोटी सी कटोरी चावल का आटा, उसमें नमक, हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाला, सारे मसाले डाल देंगे। और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़े से चिली फ्लेक्स भी डाले हैं मैंने टेस्ट के लिए, अगर ऑप्शनल है, अगर बच्चों के लिए बना रहे हो तो ना भी डालें। फिर हम डाल देंगे इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट, जिसमें इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर देंगे। बस पनीर के क्यूब्स डालेंगे और ऊपर से हल्का सा पानी डाल देंगे, बिल्कुल पकौड़े वाला बैटर नहीं बनाना, और इसको कोट कर लेंगे ऐसे शेक करके, या फिर आप हाथ से भी कर सकते हो। बस जब ये अच्छे से इस पर कोट हो जाए तो बस गर्म तेल में, मीडियम हॉट ऑयल में इसको हम फ्राई करते रहेंगे मंदी गैस पे, जब तक ये पूरे क्रिस्पी ना हो जाए। आपने मसाला पीनट खाई होगी ना, मसाला मूंगफली की जो नमकीन आती है, सेम वैसे ही दिखते हैं और टेस्ट भी कुछ कुछ वैसा ही आता है, पर इसके अंदर मूंगफली की जगह पनीर होता है। ये देखो कितने ज़्यादा क्रिस्पी हो गए और कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है शक्ल में। फटाफट से इजी सा स्नैक्स है, किसी भी मेहमान के आगे हम इसे बना सकते हैं। जब ये बन जाए इसमें चाट मसाला डालो या फिर ओरिगैनो मिक्स करके आराम से चाय के साथ खाओ। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये बहुत ही यमी रेसिपी है।